लड़की रहती है जो आपको मैसेजेस कर रही है और कह रही है कि मुझे घुमाओ दुबई, मैं अभी नहीं आई हूँ, और जुनैरा को मत बताना तुम कुछ हरामी पने कर रही हो। बाहर टीवी के पास जो स्विच बोर्ड है उस पे मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और आप लोगों को वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का सीन ऐसा है कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई व्लॉग पोस्ट नहीं किया, रोज़ाना एक कोई कंटेंट क्रिएट करना इट्स टफ़। तो फिर मैंने सोचा कि हम ऐसा करेंगे कि हम वीक में 3 वीडियोज़ डाला करेंगे, बाकी नॉर्मल डेज में हम शॉर्ट्स डाला करेंगे। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। अब क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो करेंगे ये मुझे भी नहीं पता। अभी मैं जा रही हूँ सलून, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अब आए में हूँ, तो मैं जा रही हूँ सलून। सलून से मैं आ जाऊँ थोड़ा सा अपना जो है वो फेशियल वेशल लेके, उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि व्लॉग का कॉन्टेंट करना क्या है। व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया, अब जो जो होता रहेगा वो मैं ऐड करती रहूँगी, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग करने की मैं कोशिश करूँगी। उसमें प्रैंक भी हो सकता है, उसमें कुछ चैलेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग मेरे वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आपको पता चले कि मैंने आज क्या नया धमाका किया। पहले मैं स्ट्रॉलर निकाल लूँ गाड़ी से। हानी कम कम हेयर, हानी डोंट डू दिस, ओके स्टैंड हेयर। हाई टू एवरी वन, सोन हम जाएंगे बाय वॉक। हानी ये रहा और मैं ये रही। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं आगे का अभी शूट नहीं कर सकती। अब डायरेक्ट सलून पहुंच के मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है? हानो हानी, तो भाई पार्लर से मैं आ चुकी हूँ। अब पार्लर से आने के बाद मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आज कुछ डिफरेंट करूँगी। अब डिफरेंट में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। या तो हम मेरा सीन था कि कोई चैलेंज कर लेंगे हम, तो मैंने सोचा कि अब करते हैं मुनिम के साथ प्रैंक, क्योंकि काफ़ी मेरे पास जो है ना वो लोग मुझे कॉमेंट में कह रहे थे कि प्रैंक करें प्रैंक करें। अब प्रैंक क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे दिमाग ने जो है मुझे 2 हफ्ता पहले एक दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। वो आइडिया ये था कि मैं मुनिम के साथ करती हूँ प्रैंक। अब प्रैंक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यार प्रैंक ऐसा है कि मैंने ना कम से कम 2 हफ्ता पहले अपनी एक दोस्त को, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो कि मुझे इस वक्त देख रही होगी, थैंक यू यार जिसने मेरी हेल्प की, मैंने उसको मुनिम का नंबर दे दिया था और मैंने उसको कहा कि तुम मुनिम को मैसेज करो अननोन बन के और मैं वो मैसेजेस देख लूँगी और फिर प्रैंक करेंगे। उसको मैंने मैसेज बोल दिया था कि मैसेज करते, तो उसने मैसेजेस कर दिए, आग लगा दी है। अब आग का शोला मैं उठाऊंगी और आप लोग उस आग के शोले के साथ करिएगा एंजॉय। सो आ जाए अब जल्दी से हम पहले मोबाइल अपना करते हैं। यहाँ पे मैं अपना माइक, सॉरी मैं अपना मोबाइल सेट कर रही थी, छुपा के मैंने इसको सेट किया मोबाइल को, और मैं अब अपना व्लॉग करती हूँ स्टार्ट, ठीक है? क्या हुआ यार, तुमने आज भी खाना नहीं बनाया? आज भी नहीं बनाया मतलब क्या? आज नहीं बनाया, पार्लर गई थी भाई, अपॉइंटमेंट था मेरा। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, पहले ऑफिस से आओ भूखे नंगे, फिर उसके बाद भूखे बैठे रहो। यू वांट ए शवरमा? इसके लिए फ्राइज मंगवा दे छोटा वाला। नमाज पढ़ लिया आपने? हेलो कल ग्रीन से आने। हां भाई दो शवरमा चाहिए स्पाइसी। शवरमा खत्म है भैया। अबे यार और कुछ चाहिए? नहीं शवरमा ही चाहिए। डोंट डू दिस। चलो सही है, ओके। हेलो रशद अर्शी। हेलो भाई शवरमा है? हां शवरमा है। दो स्पाइसी शवरमा कर दें भाई। किधर? बागा टावर 22110 और एक छोटा फ्राइज भी कर दीजिएगा। क्या हुआ? घड़ी की बैटरी भी लो हो गई। तुम बुला क्यों रही थी? नहीं ऐसी बोल रही थी कि घर का क्या है। हाँ हम घर चेंज करने वाले हैं ना, तो क्या हुआ घर देखा आपने? घर अवेलेबल ही नहीं पूरे साल। इसको रख दे यार, जब आप मेरे साथ होते ना तो इस ठीकरे को मत इस्तेमाल किया कर, हट जाती है। लगता है बहुत भारी मोबाइल है। 3 दफा मार चुकी है। मेरी हड्डी बड़ी हुई थी यार। मेरी भी बड़ी हुई हड्डी है यार। जगह
मेरी भी हर जगह से बड़ी हुई हड्डी है। लिटरली मेरी हड्डी पड़ी हुई है, आपने तो मारा है। हाँ तो मेरे भी ऐसी लग रही, 3 दफा मार चुकी हाथ पे। अच्छा तो ये बताएं कि आपका ऑफिस कैसा रहा? ऑफिस ऐसे ही रहा, जैसा था वैसे रहा, कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। मोबाइल क्यों यूज कर रहे हैं? इसको रख दे, मुझसे बात कर रहे हैं। ये बताएं। कुछ नहीं यार, मेरी बैटरी इस वक्त ड्रेन हो चुकी है और जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। और कुछ नहीं, घर पे बात हुई। टाइमिंग मतलब उठी सुबह, आज सुबह देर से सोकर उठी थी, 1:30 बजे सोकर उठी। रात में मैं जो है वो सादगी से बात कर रही थी, तो सोते सोते फजर की नमाज पढ़ती थी, तो मेरी नींद बीच में इतनी। यार मोबाइल क्यों यूज कर रहे हैं यार? किससे बात करते हैं? किससे मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ? मेरी बात का जवाब नहीं दे रही। क्या इसका स्केड्यूल? हनी 1 2 3 4। मैंने आपको शाम में जो मैसेज किया था वो क्यों नहीं देखा? पता नहीं आनी कम है। कितने सारे मैसेज हैं? देख रही हूँ कितने मैसेज आए हैं। ये कितना मैसेज? कौन है? अरुण? पैसे मांग रहे हो? पलंग क्या फिर से आया हुआ है? मैंने देखे कितने 7 मैसेजेस हैं आपकी बीवी के जो कि आपने सीन नहीं किए। कहाँ है? मेरा ना। नो। और ये कितना मैसेज है? कौन? ये हाय, how are you, hi handsome, क्या है ये? तुमने किसी से करवाया ये मैसेज? मुझे शक हो रहा है। मैं किसी से मैसेज? 2 दिन से मैसेज आ रहा है। तुम्हें मैं मैसेज क्यों करवाऊंगी? मैं पागल हूँ? अपने मियाँ को बोलूंगी कि मेरे मियाँ को मैसेज करो? किसका मैसेज है? कॉल नंबर होगा, कॉल करके पूछ लो किसका। मैं क्यों कॉल करके बोलूँ? आपने सीन किए मैं मैसेजेस रोजाना सुबह जाते हुए देखती हूँ। मैं अभी दुबई में नहीं आई हूँ, आपकी बिल्डिंग में रहती हूँ। बिल्डिंग का नाम भी पता है बाकर? तो मेरा नाम कैसे पता है? आपका नाम कहाँ लिखा हुआ है? हमारे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल तो करोड़ों लोग हमारे सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर इसी तरह मैसेज आने के तुम नहीं तो नंबर तो शेयर नहीं करते हम अपने चैनल पे। मेरे व्हाट्सएप पे शेयर। आपको व्हाट्सएप पे नंबर करिए कि कोई हमारी बिल्डिंग में रहती है। भाई कौन है जो हमारी बिल्डिंग में लड़की रहती है जो आपको मैसेजेस कर रही है और कह रही है कि मुझे घुमाओ दुबई, मैं अभी नहीं आई हूँ, और जुनैरा को मत बताना। और आपने फिर डिलीट फॉर एवरीवन को मैसेज भी किया हुआ। डिलीट फॉर एवरीवन कौन सा डिलीट हुआ पहले बताओ? आपने सीन क्यों किया? इट मींस कि कुछ आपने किया या पता? कॉल पे बात की हो देख लो कॉल करके, मुझे नींद आ रही है इस वक्त। नींद आ रही है तो क्या? नींद तो उड़ा है अपनी। आपने मुझे बहुत हर्ट किया, पता नहीं किस लड़की से बात किया इंस्टाग्राम पे। कल मैं आपका देख रही थी रात में, आपका इंस्टाग्राम जो है मैं चेक कर रही थी, उस पर पता नहीं किन किन लड़कियों के मैसेजेस आए हुए थे। किन किन के? हाय हाय हाय, पता नहीं कौन लड़कियां होती है जो अपने आपको अब खुद मैसेज करती है। हमने तो आज तक किसी मर्द को खुद से मैसेज नहीं किया भाई। होती है ना, तो आपको मैसेज नहीं करते। मैं तो अपने शोहर को खुद से कभी मैसेज नहीं करती। आपका रिप्लाई आ जाता है, मैसेज आ जाता है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। आपको पता नहीं किन लड़कियों ने मैसेजेस किए। अबे तो भाई हम अच्छे हैं ना, तो लोग अच्छे हैं तो अच्छे तो हम भी हैं। मुझे क्या पता, करोड़ों लोग मैसेज करते, मैं तो सीन भी नहीं करती। आपने तो सीन भी किया भाई। तो भाई सीन हो गया होगा, मैं क्या करूं? सीन हो गया। अच्छा मार मार दूंगा। तू जमान मार देंगे? मेरे पास जब रिक्वेस्ट मैसेजेस आए तो आप क्यों बोलते हो नया मैसेजेस आए तुम्हारे पास? ये सब तो मैसेज आए, मैंने दे दो कि तुम्हारे मार थोड़ी ना। नाराज हूं आपसे। मुझे इसको पता करो नंबर किसका है, तुमने करवाए ना मैसेज? मैं क्यों करवाऊंगी? ये पागल तो नहीं होगा? दिमाग से पैदल तो नहीं होगा? मैं क्यों मैसेज करवाऊंगी? अच्छा देखो कितनी देर लगेगी खाने में? मुझे नहीं पता खाने में कितनी देर लगेगी। पता नहीं किसका मैसेजेस है आए हुए आपके पास। मुझे तो टेंशन होती है ना आजकल के मर्द जो होते हैं ना, वो पता नहीं है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? चार्ज हो रहा है मेरा मोबाइल। तो यहाँ क्यों नहीं चार्ज कर रहे? क्या तुम पूछ रहे हैं मेरे मोबाइल? देना जरा एक चीज देखो। क्यों देना? दो तो तुम मेरे मोबाइल पे भी चेक करेंगे किस किस के मैसेजेस आए? मोबाइल दो ना यार, एक चीज चेक करना। चार्ज हो रहा है मेरा मोबाइल। एडिट करना है ना कल के शॉर्ट्स, थंबनेल वगैरह बनाने थे। मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है। कहाँ चार्ज हो रहा है? यहाँ तो चार्ज नहीं हो रहा है, यहाँ चार्ज होता है मोबाइल। चार्जर यहाँ पड़ा हुआ है, बाहर कौन से चार्जर है?
है, हंस क्यों रही हो? तुमको जलाम ही पने कर दिया। बाहर टीवी के पास जो स्विच बोर्ड है उस पे मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है। तुम्हें कॉल कर रहा हूँ ताकि पता चले मोबाइल में। मेरा मोबाइल बाहर चार्ज हो रहा है। तुमने यहाँ क्यों सेट किया मोबाइल? क्या कर रही हो? वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो? मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही। अच्छा तू नहीं क्यों बोल रहा? अबे जाए मुझे दिख रहा है ना, बज रहा है ना मोबाइल। ये प्रैंक था और ये प्रैंक काफी अरसे से मैं सोच रही थी। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं ना डरा ना कुछ हुआ। हाँ तो जो दूसरा मैसेज आएगा है वो तो वाकई में वो तो मेरे साथ ही प्रैंक हो गया। वो किसने मैसेज किया है मुनिम को? अगर आप लोग देख रहे हैं जिसने किया है वो हाय का मैसेज मुनिम को इंस्टाग्राम पे, जिसने फेक प्रोफाइल लगाई हुई है सारा अली खान की। सारा अली खान है, सना अली खान है वो, जो भी है। तो जो है वो कौन है जरा कॉमेंट में बताइएगा कि वो कौन है जिसने मुझे भी मैसेजेस किए हुए और मुनिम को भी किए हुए। तो क्यों किए हुए भाई? क्योंकि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं रिप्लाई करूँ मैसेजेस का। तो ये था प्रैंक और मैं मुनिम के साथ भाई आइंदा कोई प्रैंक नहीं करूंगी, क्योंकि ये है ना मुझे हंसा देते हैं। मैं हंस गई वरना मेरा प्रैंक शायद और लंबा थोड़ा चलता, लेकिन मैं हंस गई जिसकी वजह से प्रैंक हमारा ये हो गया। कैसा लगा आपको? वैसे वाकई में